नमस्कार, मैं हूं लुभावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। रेलवे के इस कदम के बाद सभी यात्रियों के लिए एसी कोच में सफर करना संभव हो जाएगा। अब आपको बता दें कि रेलवे ऐसा कौन सा कदम उठा रही है। रेलवे फिलहाल ऐसे 230 कोच बना रही है जो कोच को इकोनॉमिकल एसी 3 टीयर के नाम से जाने जाएंगे। कोरोना वायरस से फैली महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सफर आरामदायक और सुरक्षित हो इसके लिए रेलवे सभी नॉन एसी स्लीपर क्लास को 3 टायर एसी कोच में बदलने जा रही है। वहीं जनरल बोगियों को भी एसी में बदला जाएगा। रेलवे के इस कदम के बाद ट्रेन पूरी तरह से एसी हो जाएगी। रेलवे ऐसे 230 कोच तैयार कर रही है। एक स्लीपर क्लास को एसी कोच में बदलने में कुल 3 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। वहीं कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में फिलहाल इन कोच के प्रोटोटाइप बनाए जा रहे हैं। अपडेट हुए कोचेस को इकोनॉमिकल एसी 3 टीयर क्लास के नाम से जाना जाएगा। रेलवे का कहना है कि इसमें यात्रा करने वाले लोगों की जेब पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अपग्रेड हुए इकोनॉमिकल कोचेस के अंदर 72 की जगह 83 सीटें होंगी। आमतौर पर कोच में सिर्फ 72 सीटें ही होती हैं। ये कोच इसी 3 टीयर टूरिस्ट क्लास भी कहलाएंगे। वहीं जनरल कोचेज में भी सीटों की संख्या बढ़ाकर 100 से 105 कर दी जाएगी। हालांकि अभी इसका डिजाइन तय नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में रेलवे 230 कोच बनाएगी। हर कोच को बनाने में लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो कि नॉर्मल एसी 3 टीयर को बनाने के लिए खर्च से 10% ज्यादा है। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए आवाज इंडिया न्यूज, क्योंकि हर सच होगा अब आपके साथ।